नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा मम्मी किचन में। आज हमने आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आए हूँ, महापर्व छठ पूजा के स्पेशल नहाए खाए चने दाल के दाल रेसिपी। आइए हम देखते हैं। हमने एक कटोरी चना दाल लिए हैं, इसको हम 2 से 3 पानी से धो लेंगे। हमने आधा चम्मच जीरा लिए हैं, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 काली मिर्च, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमने आवश्यकता के अनुसार लौकी लिए हैं, लौकी को बिहार में कद्दू बोलते हैं। देखिए हमने लौकी ले लिए हैं, लौकी को छीलकर धोकर हमने लिए हैं। अब इसके हम पीसेस काट लेंगे, थोड़े मोटे मोटे भाग में हम इसको काटेंगे। चने दाल में 5 से 6 सीटी लगते हैं चने दाल, इसीलिए हम इसको हल्के मोटे मोटे भाग में काट कर ले लेंगे। मेरी रेसिपी अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं मेरी रेसिपी कैसी है। देखिए हमने लौकी को काट कर ले लिए हैं। चलिए हम मिक्सी जार लेते हैं, मिक्सी जार में हम जीरे, काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक को हम पीस लेंगे। देखिए हमने कुकर लिए हैं, कुकर में हम चना दाल को 2 से 3 पानी धोकर हमने लिए हैं, चना दाल ले लेंगे। इसमें हम लौकी ले लेंगे, चने दाल की जो पानी हम धोते हैं वो फेंकते नहीं हैं, वो हम लोग नाले में नहीं बहाते हैं। हमने पीसे हुए मसाले लेंगे, चने दाल कद्दू धोए हुए ये सारे पानी पौधे में डाले जाते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सरसों ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, हमने सेंधा नमक लिए हैं, सेंधा नमक ही इस्तेमाल किए जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार पानी। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाले जाते। चलिए हम कुकर के ढक्कन लगाकर 5 सीटी लगा लेंगे। देखिए हमने 5 सीटी लगाकर ले लिए हैं, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। चलिए हम इसको चेक करते हैं, चने दाल को दबा कर देख लेते हैं, ये पक गए हैं, कद्दू भी पक गए हैं। अब इसके हम देखिए इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर नहीं डाले जाते हैं, छठ पूजा में नहीं खाए जाते हैं, कोई भी लाल चीज़ हो चाहे लाल साग भी हो नहीं खाए जाते हैं। चलिए हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल लिए हैं, हमने 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च को हम 2 भाग में करके लिए हैं, बहुत सावधानी से दोस्तों, क्योंकि ये चटकते हैं मिर्च, 2 तेज पत्ते हमने लिए हैं। तेज पत्ते के साथ इसको हम हल्के भून लेंगे। हमने तड़के को भून लिए, चलिए हम दाल में इसको डाल देते हैं, डाल कर 2 मिनट ढक कर रख देंगे। अब इसमें हम गंगा जल पानी लिए हैं, ये प्रसाद के रूप हो जाएंगे। हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
बेल आइकन भी दबा दें, ऐसे मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।